हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं पार्ट सी के चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स इस पूरे पार्ट से, और सबसे अच्छी बात है इस चैप्टर से फॉर श्योर आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड्स में मिलने वाला है। क्योंकि चैप्टर बहुत ईजी है, सो अगर हम कंप्लीट इंडिया के कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बात करें तो इस चैप्टर में आई बिलीव शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जो अपने नंबर गवाता होगा। इस तरीके के चैप्टर्स को आपको होल्ड में रखना है और कोशिश करनी है कि ऐसे चैप्टर्स जिनमें मार्जिन ऑफ एरर्स बहुत कम होता है उन्हें जल्दी से पढ़कर साइड कर दें और श्योरिटी ले लें कि आपके उतने नंबर पक्के हो जाएं जितने इस चैप्टर से बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। मैंने इस चैप्टर को वैसे तो 2 पार्ट्स में ब्रेक करा हुआ है, पर आज के इस पूरे सेशन में हम इस चैप्टर को, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत डेप्थ में नहीं है चीजें, बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल भी नहीं है, तो हम पूरा चैप्टर खत्म तो करेंगे, पर आज आप लोगों के लिए एक बोनस चीज है। इस चैप्टर के एंड में मैं आपको बताने जा रहा हूं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और सिंप्लीफाई कर देता हूं आपके लिए, चीजों को और इजी करने की कोशिश है, ताकि आपको हर चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले से पता चल जाए जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को, स्टार्टिंग विद द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर। सो 4 मार्क्स का ये चैप्टर आना ही आना है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, फॉर श्योर इससे क्वेश्चन आना ही आना है। कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट्स ये जो चैप्टर है, इसमें हमें 2 तरीके के स्टेटमेंट्स पढ़ाए जाएंगे। पहला, हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स देखेंगे क्या होते हैं, क्या टाइप्स हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और दूसरा हम देखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहां पे कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ द स्टेटमेंट। व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स? वी ऑल नो दैट द कंपनीज हैव टू मेक 2 फंडामेंटल स्टेटमेंट्स। पहला होता है बैलेंस शीट और दूसरा होता है इनकम स्टेटमेंट। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स भी 2 तरीके के हैं। पहला जो बैलेंस शीट का कंपैरेटिव स्टेटमेंट होगा, जिसे हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट बुलाते हैं, और दूसरा कहलाता है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, आप देख सकते हैं यहां पे मैंने पूरा का पूरा कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि हाउ दिस कंपैरेटिव बैलेंस शीट वर्क्स। देखने में तो आपको बैलेंस शीट पूरी की पूरी वही दिख रही होगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। पहले के 4 कॉलम पूरे के पूरे नॉर्मल बैलेंस शीट के ही है, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी देखा हुआ है। तो पर्टिकुलर्स का कॉलम है, नोट्स टू अकाउंट्स का कॉलम है, प्रीवियस ईयर का कॉलम है और करंट ईयर का कॉलम है। नाउ व्हाई आई सेड दैट दिस चैप्टर इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर फॉर योर 12th अकाउंट्स, बिकॉज इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं इनके सॉल्यूशंस को अगर आप देखें, ये अगर फॉर्मेट आप देख पा रहे हैं, तो 50% ऑफ द सॉल्यूशन, रादर आई वुड से 80% ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। आप अगर देखें तो पूरी की पूरी बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दी जाएगी, वही की वही बैलेंस शीट आपको एज इट इज पेस्ट कर देनी है आपके इस कंपैरेटिव बैलेंस शीट के स्टेटमेंट में। सो पर्टिकुलर्स का कॉलम क्वेश्चन से मिल जाएगा, नोट्स टू अकाउंट्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ये सारे कॉलम्स आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए होंगे। अभी हम क्वेश्चन भी देख लेंगे ताकि आपको मैं और अच्छे से समझा पाऊं। जो मेन कॉलम है हमारे लिए वो 2 है, दैट इज कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 6। कॉलम नंबर 5 एंड 6 जब ऐड होते हैं इस फॉर्मेट में, एक नॉर्मल बैलेंस शीट में हम अटैच कर देते हैं, तो वो नॉर्मल बैलेंस शीट क्या बन जाती है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कैसे? क्योंकि कॉलम नंबर 5 की आप हेडिंग अगर देख पा रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ है एब्सोल्यूट चेंज। व्हाट वी एक्चुअली मीन बाय एब्सोल्यूट चेंज, यहां पे एब्सोल्यूट चेंज का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट चेंज का मतलब है करंट ईयर वैल्यूज का प्रीवियस ईयर वैल्यू के बीच का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। सो कॉलम नंबर 5 इसलिए बनाया जाता है ताकि आप एब्सोल्यूट चेंज निकाल पाए, किसके बीच का? करंट ईयर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर से प्रीवियस ईयर के अंदर कितना चेंज आया है वो निकाला जाता है एब्सोल्यूट चेंज कॉलम में। कैसे निकालते हैं? सो हर एक, जैसे शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल की वैल्यूज का करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे तो उसका हमें एब्सोल्यूट चेंज मिल जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हम करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे, हम उसका एब्सोल्यूट चेंज मिल जाएगा। सो अल्टीमेटली कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज अ काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस
याद आ रहा होगा आपको, मैंने पढ़ाया है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है आपको पिछले ही सेशंस में. सो इट इज अ स्टेटमेंट विच इज यूज फॉर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है. आप अपने प्रीवियस ईयर और करंट ईयर को कंपेयर करते हैं बाय मेकिंग दिस कंपैरेटिव बैलेंस शीट. तो हर एक एलिमेंट का, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, नॉन करंट एसेट्स हो, करंट एसेट्स हो, करंट लाइबिलिटीज हो, इन सब का आपको एब्सोल्यूट चेंज निकालना होता है. यहां पे जो आपको दिख रहा है ये फर्स्ट हाफ ऑफ द बैलेंस शीट है. सेकंड हाफ में आपको सेकंड स्लाइड में दिखाने वाला हूं. अभी हम लाइबिलिटीज की ही बात कर रहे हैं. कॉलम नंबर 6 जो है वो है परसेंटेज चेंज. नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट दिस? द फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट चेंज हमने यहां पे देखा हुआ है. ये हमारा एब्सोल्यूट चेंज का अगर फॉर्मूला है तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100. एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 विल गिव यू परसेंटेज चेंज. क्या दे देगा वो आपको? परसेंटेज चेंज दे देता है. तो कॉलम नंबर 5 से आपको पता चल जाता है एब्सोल्यूट चेंज. और जब आप कॉलम 5 की वैल्यूज को उसी प्रीवियस ईयर से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं तो आपको मिल जाता है आपका कॉलम नंबर 6 का वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. बार बार मैं बोल रहा हूं इस चैप्टर के 4 नंबर प्लीज मत गवाना, क्योंकि ये चैप्टर इंडिया का कोई भी 12th कॉमर्स का बच्चा छोड़कर नहीं आता है. अगर आप ये गलती कर रहे हैं, आप ये मान के चल रहे हैं कि चैप्टर डिफिकल्ट है, तो बहुत बड़े मिथ में हैं आप. क्योंकि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आना ही आना है, फॉर श्योर आना है, और ऑलमोस्ट हर बच्चा उसे सही करके आएगा. इसलिए मेक श्योर इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको जो मैं बताऊं आप वो कर लें और आपके वो 4 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएंगे. एसेट साइड पे अगर हम देखें तो वही सारी चीजें हैं. बैलेंस शीट पूरी की पूरी वही है. एसेट्स वही नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आपको ये बैलेंस शीट याद करने की जरूरत नहीं है. हमारा जो मेन फोकस है कंपैरेटिव बैलेंस शीट में वो है टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट चेंज एंड टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज ऑफ द वैल्यूज. तो इस पे ध्यान दीजिए कि आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट में कॉलम नंबर 5 एंड 6 को बनाकर उसकी वैल्यूज निकालने के लिए मार्क्स मिलने वाले हैं. अगर आपने सिर्फ कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4 बना दिया और कॉलम नंबर 5 और 6 नहीं बना पाए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो क्वेश्चन ही है. इसीलिए कॉलम नंबर 5 और 6 याद से बनाइए. बैलेंस शीट के साथ साथ बनाते जाएंगे क्वेश्चन पेपर में, तो आपको आपका अगर पेपर छूटता भी है तो कोशिश करें कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस को ना छोड़ कर आए. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट का. हियर आई हैव टेकन अ बैलेंस शीट. यू कैन सी हियर इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन द कंप्लीट बैलेंस शीट. जैसे कि रेगुलर बैलेंस शीट मिलती है वैसी ही बैलेंस शीट है. बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब जो नॉर्मल बैलेंस शीट होती है उनमें आप देख सकते हैं कि करंट ईयर पहले है और प्रीवियस ईयर बाद में है, बट हमारे फॉर्मेट में हमारा प्रीवियस ईयर पहले है और करंट ईयर बाद में होता है. तो बैलेंस शीट एक बार देख लीजिए, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है. अब इसको उठाकर हम बनाएंगे हमारी कंपैरेटिव बैलेंस शीट. तो हम पूरा का पूरा यही फॉर्मेट वहां पेस्ट करने वाले हैं, बस कॉलम नंबर 5 और 6 वहां पे अटैच हो जाएंगे. लेट्स सी हाउ दे आर डूइंग दिस. यू कैन सी हियर अगेन आई हैव टेकन द लायबिलिटी साइड फर्स्ट. सो कॉलम्स वही है, बस चेंज क्या हो गया है, करंट ईयर जो है वो पीछे चला गया है, पहले हमने प्रीवियस ईयर को ले आया है. एब्सोल्यूट चेंज का एक नया कॉलम आ गया है और परसेंटेज चेंज का एक कॉलम आ गया है. जिस तरीके से मैं बता रहा था कि वैल्यूज के साथ आपको समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा. तो आप देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर वैल्यू है 12 लाख और करंट ईयर वैल्यू है 18 लाख. अब यहां से ध्यान से सुनिए, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ बात कर रहे हैं ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए कंपैरेटिव बैलेंस शीट. सिर्फ एक एग्जांपल से आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो 12 लाख प्रीवियस ईयर है, 18 लाख करंट ईयर है. तो आप देखिए एब्सोल्यूट चेंज जो मैं आपसे बोल रहा था, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर किया गया है. तो आप देखिए कॉलम 6 में, कॉलम 5 में वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 6 लाख. कैसे आया? 18 माइनस 12. कैसे निकाला है? 18 लाख माइनस 12 लाख किया है, 6 लाख आ गया. और कॉलम नंबर 6 में जो आपको 50 दिख रहा है वो है परसेंटेज चेंज. वो कैसे निकाला गया है? एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100. व्हाट वाज द एब्सोल्यूट चेंज? एब्सोल्यूट चेंज वाज 6 लाख. एब्सोल्यूट चेंज वाज 6 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर. व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर? 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया
तो 50 मिल गया है। यही सेम कॉन्सेप्ट हर वैल्यू पे अप्लाई किया गया। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की वैल्यू सेम है, 6 लाख 6 लाख है, इसीलिए एब्सोल्यूट चेंज 0 है और परसेंटेज चेंज भी 0 है। ट्रेड पेबल्स प्रीवियस ईयर 3 लाख, करंट ईयर 6 लाख, एब्सोल्यूट चेंज 3 लाख, 6 माइनस 3 इज 3 लाख, एंड 3 लाख अपॉन 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 विल गिव यू 100%। सो याद रहे ये हॉरिजॉन्टली ही सॉल्व होगा, इसको वर्टिकल सॉल्व करने की कोशिश ना करें, ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का टूल है। और टोटल का भी आपको एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालना है। सो लाइब्रेरी साइड का हमारा टोटल है 21 लाख फॉर द प्रीवियस ईयर, 30 लाख फॉर द करेंट ईयर। सो एब्सोल्यूट चेंज विल बी 30 माइनस 21, दैट विल बी 9 लाख, एंड 9 लाख डिवाइड बाई 21 लाख डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई 100 इज कमिंग 42.86%। So this is the liability side. So let's move on to the asset side. Assets में हमारे पास fixed assets में सिर्फ tangible assets दिए हुए थे question में। मैंने यहाँ पे दो part में इसलिए break करके दिखाया ताकि मैं आपको format अच्छे से समझा सकूं। आपको exam में पूरा एक साथ ही बनाना है, ठीक है? इसका ध्यान रखें। तो assets में आप देखिए, previous year है 15 लाख, current year है 18 लाख, तो absolute change कितना हो गया? 3 लाख, and 3 लाख divided by previous year multiplied by 100 is coming 20%। इन द सेम पैटर्न करंट एसेट्स की हमने वैल्यूज को लिया, उनके एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकाले, और टोटल लाइबिलिटी का हो या एसेट्स का हो वो तो सेम ही रहेगा। तो 21 लाख, 30 लाख, 9 लाख एंड 42.86, वो सारी वैल्यूज वैसी की वैसी ही है। इतना ही आसान है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अगर ये क्वेश्चन आता है, मेक श्योर आप कोई गलती ना करके आए। कॉलम नंबर 5 एंड 6 बहुत ध्यान से बनाइए, आपके 4 नंबर जो है वो पक्के हो जाते हैं। यह है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब हम देखते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्या होते हैं। चल, ये रहा हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। अगेन फॉर्मेट पूरा का पूरा वही है, कॉलम्स वही हैं, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स चेंज हो गए हैं, अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो चेंज हो गए हैं। इनकम स्टेटमेंट भी हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, और मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाते टाइम बताया था कि बेटा अगर आपने इस चैप्टर के फॉर्मेट्स को पढ़ लिया तो आगे के चैप्टर्स में आपको हेल्प मिलेगी। वो बात इसीलिए थी कि आज आप देख सकते हैं वही फॉर्मेट्स इस यहाँ पे भी यूज हो रहे हैं। सो वी ऑल नो द फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, तो टोटल इनकम आ जाता था। उसके बाद लाइन से जितने भी एक्सपेंसेस है वो लिखे जाते हैं, टोटल एक्सपेंसेस टोटल रेवेन्यू से जब माइनस हो जाते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब हम टैक्स माइनस कर देते हैं तो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलता है। रेस्ट ऑफ द कॉलम्स आर ऑल सेम, उसमें कोई चेंज नहीं है। नोट्स टू अकाउंट्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज, साथ ही साथ फॉर्मूला भी सेम है एब्सोल्यूट चेंज निकालने का और परसेंटेज चेंज निकालने का। इसका भी एक क्वेश्चन पिक करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। सो ये रहा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे आइटम्स क्वेश्चन में दिए जाएं, इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर। हो सकता है 3 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स, 2-3 ही चीजें आपको दी जाएं। जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक्सपेंसेस एंड अदर इनकम, सिर्फ हमारे पास 3 आइटम्स है इस पूरे फॉर्मेट में, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की वैल्यूज है। चलिए बनाते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी। फॉर्मेट वही, पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट्स, प्रीवियस ईयर पहले आ गया है, करंट ईयर बाद में है, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। फॉर्मेट को फॉर्मेट की तरह ही चलाना है। क्वेश्चन में चाहे एक्सपेंसेस ऊपर हो, अदर इनकम ऊपर हो, टैक्स ऊपर हो, आपको इनकम स्टेटमेंट का जो लॉजिकल फॉर्मेट है उसको नहीं छेड़ना है। फॉर्मेट क्या है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से शुरू होगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे खत्म होगा। सो क्वेश्चन में, इनकम स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में खासकर एलिमेंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, कई बार बैलेंस शीट में भी ऐसा होता है पर रेयर है ऐसा, ज्यादातर वो एक्सपेरिमेंट करेंगे इनकम स्टेटमेंट के साथ। तो आप कभी भी क्वेश्चन का सीक्वेंस ना फॉलो करें, जो ओरिजिनल सीक्वेंस है फॉर्मेट का वही फॉलो करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम, तो टोटल रेवेन्यू आ गया, उसमें से हमने एक्सपेंस को माइनस किया है तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ चुका है। Now they have not given us tax, तो हमारा profit before tax ही final answer माना जाएगा। Previous year की values line से लिख दी गई, current year की values line से लिख दी गई,
एब्सोल्यूट चेंज यही फॉर्मूला लगा के निकाला गया है, चाहिए तो हम चेक कर सकते हैं। 15 लाख माइनस 10 लाख 5 लाख एंड 5 लाख अपॉन 5 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 विल कम 50%। अगेन फॉर द नेक्स्ट वैल्यू अदर इनकम हम देख सकते हैं प्रीवियस ईयर की वैल्यू है 2 लाख एंड करंट ईयर की वैल्यू है 1,80,000। क्योंकि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है इसलिए आप देखिए जो डिफरेंस है वो ब्रैकेट्स में है, क्योंकि 1,80,000 माइनस 2 लाख करेंगे तो नेगेटिव 20 आएगा एंड हम अकाउंट्स में नेगेटिव वैल्यूज को ब्रैकेट्स में दिखाते हैं। सो ब्रैकेट्स डिनोट कर रहे हैं दैट इज दैट दिस 20,000 इज अ नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव एब्सोल्यूट चेंज का परसेंटेज चेंज भी नेगेटिव ही होता है, इसीलिए फॉर्मूला नहीं बदला है। 10 डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 20,000 डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 विल कम 10%, बट दैट 10% इज रिटन इन द ब्रैकेट्स। This shows this is a negative percentage change. एक positive change होता है, एक negative change होता है, तो ये negative change है। क्यों भाई? क्योंकि हमारी other incomes पिछले साल के मुकाबले इस साल कम हो गई है, नीचे चली गई है, तो वो decrease, वो fall हम negative values से दिखाते हैं। Total revenue हमने निकाल दिया, कैसे निकाला होगा? 10 लाख plus 2 लाख 12 लाख, 15 लाख प्लस 1,80,000 16,80,000 एंड एज आई सेड आपको हर वैल्यू का एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालना है, तो टोटल रेवेन्यू का भी एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकाला गया। एक्सपेंसेस 6 लाख 10 लाख 50 4 लाख 50 डिफरेंस ऑफ द बोथ द वैल्यूज 75% इज द चेंज एंड फाइनली वी हैव प्रॉफिट बिफोर टैक्स विच इज टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस सो टोटल रेवेन्यू ऑफ प्रीवियस ईयर वॉज 12 लाख, total expenses are 6 lakh, so the profit is coming 6 lakh. 16,80,000 is the total revenue of the current year minus 10,50,000 the expenses of the current year, profit is coming 6,30,000. Now absolute change vertically nahi nikalna hai, don't do this ki aap 4,80,000 minus 4,50,000 karenge to 30 aa raha hai, hamesha aise horizontal hi chalaye. So 6,30,000 minus 6 is coming 30,000 positive, and that 30,000 has been divided by 6 lakh multiplied by 100, it's coming 5%. So हमने पढ़ा कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स विथ illustrations, हमने जाना कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे निकाले जाते हैं एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, साथ ही साथ हमने देखा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्या होता है और उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये है आपका 50% ऑफ द चैप्टर, रिमेनिंग 50% में सब कुछ सेम रहने वाला है, पर अब हम बात करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स की। सो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो भी दो हैं, हमें कॉमन साइज बैलेंस शीट पूछी जा सकती है या हमसे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट्स भी बनवाए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट आपके सामने है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा फॉर्मेट सेम है, वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से स्टार्ट किया गया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे पूरा पूरा फॉर्मेट उसी ऑर्डर में उसी सीक्वेंस में लिखा गया है। हमारे पहले फोर कॉलम्स भी सेम है अगर आप देखें, सो पर्टिकुलर्स नोट्स टू अकाउंट्स फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड फिगर्स ऑफ द करेंट ईयर। अब यहां पे चेंज ये है कि हमारे आखिरी के दो कॉलम बदल गए हैं, कॉलम नंबर 5 एंड 6। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में वी यूज टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज, जबकि कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में हम इंडिविजुअल ईयर्स के परसेंटेज चेंजेस निकालते हैं जिनको हम प्रीवियस ईयर परसेंट एंड करेंट ईयर परसेंटेज से डिनोट कर रहे हैं। ये कैसे निकाले जाते हैं पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं। अब आपको यहां पर प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों के परसेंटेजेस अलग अलग निकालने हैं, बिकॉज कॉमन साइज स्टेटमेंट इज अ काइंड ऑफ वर्टिकल एनालिसिस। हमने ये पढ़ा था कि वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है, जब हम हमारे उसी ईयर की किसी वैल्यू को बेस मानकर बाकी सारे एलिमेंट्स को के रिलेशनशिप को उसके साथ कंपेयर करते। तो इनकम स्टेटमेंट्स में कॉमन साइज के अंदर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को बेस मानते हैं, किसको बेस मानते हैं, हमारे RFO विच इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। याद रहे टोटल रेवेन्यू नहीं बोला है मैंने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को आप बेस वैल्यू मानकर कंपेयर करते हो प्रीवियस ईयर की सारी वैल्यूज को एंड करेंट ईयर की सारी वैल्यूज को। हाउ वी डू दैट, हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ प्रीवियस ईयर एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, एंड यहां पर जो हमारा वो एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है, जैसे आपके एक्सपेंसेस हैं, आपके टोटल इनकम्स हैं, आपके फाइनेंस कॉस्ट है, सारे के सारे, मतलब जितने भी इनकम स्टेटमेंट्स में एलिमेंट्स दिए गए हैं, उन सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन हम आरएफएस से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करते जाएंगे, तो हमें हमारा परसेंटेज चेंज दिखता जाएगा, वो कंपैरिजन दिखता जाएगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट्स हैव अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, करेंट ईयर प्रीवियस ईयर वैल्यूज दी है, अदर इनकम भी दिया हुआ है, यहाँ पे परचेज इन द स्टॉक एंड ट्रेड भी दिया हुआ है, चेंजेस इन इन्वेंटरी दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एंड रेट ऑफ इनकम टैक्स भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थोड़े से ज्यादा एलिमेंट्स आ गए हैं, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट आपको बनाने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा, बताया जाएगा कि आपको किस तरीके का स्टेटमेंट बनाना है, कॉमन साइज बनाना है या कंपैरेटिव बनाना है। नेवर टेक एनी काइंड ऑफ अजम्पशंस, अगर आपको बोला जा रहा है कि अजम्पशन ले लो तो ऐसा मत करना। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा कि यू हैव टू मेक कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। चलिए, ये रहा हमारा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल सोल्यूशन। अरेंजमेंट आप देखें तो पूरा 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 अरेंजमेंट उसी सीक्वेंस में है जो हमारा फॉर्मेट था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम, सो वी गेट द टोटल रेवेन्यू वैल्यू। उसके बाद एक्सपेंसेस को हमने वन बाय वन लिखा, परचेजेस ऊपर आता है, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, ये तीन एक्सपेंसेस थे हमारे पास, इन तीनों को हमने एबीसी करके डिनोट किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। टोटल एक्सपेंस निकाला है विच इज समेशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाउ इज दैट कैलकुलेटेड? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस किया गया है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, और उसमें से हमने टैक्स निकाल के माइनस कर दिया। बट टैक्स तो परसेंटेज में दिया था, तो वो कैसे निकाला गया होगा? प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 50% उस साल का टैक्स हो जाएगा, करंट ईयर के प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 50% उस साल का टैक्स हो जाएगा, एंड फाइनली आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स वी हैव आर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वैल्यू। प्रीवियस ईयर का कॉलम पहले आएगा, करंट ईयर का कॉलम बाद में आएगा, इसका बहुत ध्यान रखें। अगर आपने करंट ईयर का कॉलम पहले बना दिया, देयर आर हाई चांसेस कि आपको या तो आपको पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन वॉइड हो जाएगा, कोई अच्छा लीनियंट चेकर मिल गया तो शायद आपको कुछ नंबर दे दे, बट टेक्निकली आप ऐसा नहीं कर सकते, वो गलत होगा। तो प्रीवियस ईयर की वैल्यूज पूरी की पूरी वैसी अरेंज की गई है, करंट ईयर की वैल्यूज को भी वैसी अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद टोटल रेवेन्यू, उसका टोटल एक्सपेंसेस, फिर पीबीटी निकाला, फिर हमने पीएटी निकाला, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये वाले कैलकुलेशंस पूरे वर्टिकल कैलकुलेशंस चल रहे हैं कॉलम प्रीवियस ईयर कॉलम्स में एंड करंट ईयर कॉलम्स में। द मोर इंपॉर्टेंट वैल्यू इज द वैल्यू व्हिच वी आर कैलकुलेटिंग इन कॉलम नंबर 5 एंड 6, दैट इज द परसेंटेज चेंज ऑफ प्रीवियस ईयर एंड परसेंटेज चेंज ऑफ द करंट ईयर। सो एज आई सेड, आपको प्रीवियस ईयर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस लेना है सारे परसेंटेजेस निकालने के लिए। जैसे कि मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि प्रीवियस ईयर 2019 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप देख सकते हैं 7,50,000 है, कितना है? 7,50,000 है। तो इन्होंने क्या किया है कि इस 7,50,000 में से ये सारी की सारी वैल्यूज प्रीवियस ईयर कॉलम में जितनी वैल्यूज है उन सबको डिवाइड करते गए, मल्टीप्लाइड बाय 100 करते गए, मतलब उसे बेस मान लिया, डिनोमिनेटर क्या मान लिया, 7,50,000 मान लिया, और वन बाय वन एलिमेंट्स को डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 किया है, तो हमारे वो परसेंटेज के जो कॉलम आपको दिख रहा है वो फिल अप हो रहा है। फॉर एग्जांपल 7,50,000, पहली वैल्यू 7,50,000 ही है, तो 7,50,000 अपॉन 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 विल गिव यू 100। आफ्टर दैट 75,000 डिवाइड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 विल कम 10%। 8,25,000 divided by 7,50,000 multiplied by 100 is coming 110%. 6,00,000 divided by 7,50,000 multiplied by 100 is coming 80%, and so on. तो जितनी भी values हैं उन सबको one by one divide किया गया 7,50,000 से। Why? Because 7,50,000 is the RFO of the previous year. Now the same pattern has been repeated for the current year as well. तो आप देखिए current year का revenue from operation है 10,00,000, तो 10,00,000 को आरएफ को बेस माना गया है, और वन बाय वन करंट ईयर की ए टू जेड वैल्यूज को शुरू से लेके आखिरी तक की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको 10,00,000 से डिवाइड किया गया, मल्टीप्लाइड बाय 100 किया गया, तो आपको वैल्यूज मिल गई हैं जो कि कॉलम नंबर 6 में लिखी गई हैं, दैट इज 100%,
देन 10%, देन 110, देन 75, देन -5, देन 1 एंड सो ऑन। सो ध्यान रहे कि कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों के अलग अलग परसेंटेज निकाले जाते हैं और दोनों ही ईयर्स के लिए उन पर्टिकुलर ईयर्स के आरएफओस दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को डिनोमिनेटर लेना होता है। यही चेंज है, यही वो चेंज है जिससे हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट कंपैरेटिव स्टेटमेंट से अलग हो जाता है। टेक्निकली कॉमन साइज स्टेटमेंट्स थोड़े से लेंथी हो जाते हैं क्योंकि आपको दोनों ईयर्स के सेपरेट परसेंटेजेस निकालने हैं, बट अच्छी बात यह भी है कि इन दोनों ही ईयर्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है तो कई बार बोर्ड एग्जाम्स में सिंगल ईयर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के, क्योंकि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के तो सिंगल ईयर क्वेश्चंस बन नहीं सकते क्योंकि हमें वहां पे एब्सोल्यूट चेंज निकालना है और परसेंटेज निकालना है। फॉर दैट वी नीड टू हैव करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर वैल्यूज। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। इसी तरीके से बिल्कुल सेम फॉर्मेट पे, सेम पैरामीटर पे, सेम लॉजिक पे कॉमन साइज बैलेंस शीट भी है। पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है बिल्कुल सेम है। यहाँ पे बैलेंस शीट के कंटेंट्स पेस्ट कर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, और वहां आप देखें तो प्रीवियस ईयर परसेंटेज और करंट ईयर परसेंटेज अलग अलग निकाला है। पर अब बैलेंस शीट में क्या बेस लिया जाएगा? यहाँ पे तो हमने आरएफओ को बेस ले लिया था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस ले लिया था, तो बैलेंस शीट के लिए बेस क्या होता है? बैलेंस शीट के लिए बेस होता है द मेन टोटल ऑफ बैलेंस शीट, द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। नाउ इट कैन बी टेकन फ्रॉम द टोटल ऑफ लायबिलिटीज और इट कैन बी टेकन फ्रॉम द टोटल ऑफ एसेट्स, क्योंकि दोनों ही साइड्स सेम होती हैं। तो प्रीवियस ईयर के वैल्यूज को निकालने के लिए आप प्रीवियस ईयर के टोटल ऑफ बैलेंस शीट को बेस ले लेंगे, सारी वैल्यूज को डिवाइड करते जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 यू विल गेट द वैल्यूज। यहाँ पे करंट ईयर के टोटल ऑफ बैलेंस शीट को ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, आपको सारे परसेंटेजेस मिल जाएंगे। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन फॉर दिस बैलेंस शीट एज वेल। इज द क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बोला, जरूरी नहीं है कि हर बार बैलेंस शीट पूरी की पूरी बैलेंस शीट की तरह ही आए। कई बार आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में क्वेश्चंस मिल सकते हैं, रैंडम अरेंजमेंट में बैलेंस शीट के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। ज्यादातर बैलेंस शीट के क्वेश्चंस जो होते हैं फ्लैट होते हैं, एकदम क्लीन क्लियर बैलेंस शीट आपको पेस्ट करके दे दी जाती है और आपको उठाकर उसको यहाँ पर चिपकाना है और कुछ नहीं करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा सोल्यूशन है। सो हमने पहले उसे सीक्वेंसली अरेंज किया प्रॉपर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के साथ, वो आपको करना जरूरी है क्योंकि फॉर्मेट के तो नंबर मिलने ही मिलने हैं। प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर है, याद रहे प्रीवियस ईयर पहले आता है, करंट ईयर बाद में आता है, उसके बाद प्रीवियस ईयर परसेंटेज है और करंट ईयर परसेंटेज है। तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 20 लाख और करंट ईयर की बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 30 लाख रुपीज आफ्टर डूइंग द अरेंजमेंट। ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया था, ये हमने किया है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको करना पड़ जाए, इतना भी आसान नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करवाएंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के परसेंटेज की तरफ अगर हम ध्यान दें तो 12 लाख डिवाइड बाय 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 किया गया, 60% आ गया। 6 लाख डिवाइड बाय 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 किया गया, 30% आ गया। 2 लाख अपॉन 20 लाख इनटू 100 किया गया, 10% आ गया। एंड लास्ट 20 लाख अपॉन 20 लाख इनटू 100 करेंगे तो 100% ही आएगा। इसी तरीके से एसेट्स की भी वैल्यूज को 20 लाख से डिवाइड किया है फॉर द प्रीवियस ईयर एंड द सेम पैटर्न हैज बीन रिपीटेड टू कैलकुलेट द परसेंटेजेस ऑफ द करंट ईयर एज वेल। सो करंट ईयर का टोटल ऑफ बैलेंस शीट वाज 30 लाख, so every value has been divided by 30 lakh multiplied by 100, so it's coming 60%, 20%, 20%, 100% and so on। ये हैं आपके वो चार major formats जो इस chapter में हैं। दो हैं comparative और दो हैं common size। अब जो मैं आपको बताने वाला था कि इस chapter से सबसे ज़्यादा important topic है क्या? वैसे chapter बहुत easy है, अगर आप इन सारे formats के कम से कम 3 से 4 इलस्ट्रेशन भी बना लेते हैं, मोर देन इनफ है। ये तो आपका असाइनमेंट है ही। देखो शॉर्टकट तो वैसे भी मिल जाते हैं, पर शॉर्टकट से सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। सो फंडामेंटली स्पीकिंग आपको इस चैप्टर से अगर 4 मार्क्स सिक्योर करने हैं तो चारों के चारों फॉर्मेट के कम से कम 5-5 इलस्ट्रेशन बना लीजिए और भूल जाइए, आपके बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी बुक का, किसी भी ऑथर का, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, अगर आपने 5-5 इलस्ट्रेशन बना लिए, आई कैन गिव यू अ काइंड ऑफ गारंटी कि आपके वो 4 नंबर आने वाले हैं। बट
बहुत सारे बच्चे हैं जो लास्ट मोमेंट पर पढ़ते हैं और वो हमेशा चाहते हैं, हमेशा मांगते हैं कि सर कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए। तो चलिए मैं उनके लिए बता रहा हूं कि इस 4 मार्क क्वेश्चन में सीबीएसई आपको चॉइस देता है, तो आपको दो फॉर्मेट में से किसी एक को ही पिक करना होगा। और उसमें मेरा जो टिप है आप लोगों के लिए वो ये है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में से आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इनकम स्टेटमेंट। यस, सो प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ इनकम स्टेटमेंट्स रादर देन बैलेंस शीट्स। देर आर हाई चांसेस कि इनकम स्टेटमेंट्स ही आए, बैलेंस शीट ना आए। कई बार ऐसा हुआ है कि इनकम स्टेटमेंट्स ही पूछे गए हैं, बैलेंस शीट्स नहीं पूछी गई हैं, पर इस बार तो ऑप्शन आ गया है तो इस बार, और क्योंकि ऑप्शनल में है तो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दोनों ही आ सकते हैं। पर मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे दो लॉजिक है। पहला, इनकम स्टेटमेंट्स के अंदर एलिमेंट्स बैलेंस शीट के कंपैरिजन में कम होते हैं। कम एलिमेंट्स मींस कम कैलकुलेशंस, व्हिच आल्सो मींस लेसर परसेंटेजेस। तो आपको कम परसेंटेजेस निकालने हैं और कम कैलकुलेशंस करने हैं, नंबर आपको 4 ही मिलने वाले हैं। बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हो जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और 4 नंबर के लिए अगर आप किसी क्वेश्चन को 5 मिनट से ज्यादा उस क्वेश्चन को डेडिकेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आर गोइंग टू लूज मार्क्स इन सम अदर क्वेश्चंस। हमारे पास सीबीएसई के सिर्फ 2.5 घंटे हैं, 3 घंटे नहीं है, याद रखिए 2.5 घंटे हैं। क्यों है 2.5 घंटे वो बताऊंगा कभी और। 2.5 घंटे के हिसाब से अपनी तैयारी करिए, चाहे आप सीबीएसई के हैं, आईसीएसई के हैं, किसी भी बोर्ड के हैं। कभी भी मत मानिए कि आपको 3 घंटे मिलते हैं, हमेशा मानिए कि आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, और उस 2.5 घंटे में इस तरीके के क्वेश्चन में आपको सिर्फ 5 मिनट लगने चाहिए। सो ऐसे ही क्वेश्चंस पिक करें जो 5 मिनट के अंदर हो सकते हैं, और वो है इनकम स्टेटमेंट्स। सो प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ इनकम स्टेटमेंट्स, वेदर दे आर ऑफ कंपैरेटिव और इट कैन बी ऑफ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट्स। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आई कैन गिव यू अ गारंटी कि आपके वो 4 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। इतना ही है ये चैप्टर, वीडियो आपने ध्यान से देखी ही है और देख ली है, और अब आपके पास वो सारी चीजें हैं जिनसे आपको वो 4 नंबर मिलने वाले हैं। बस जो आपको मैंने असाइनमेंट्स दिए हैं उनको ईमानदारी से बैठकर पढ़ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। चाहिए तो अगर आप क्वेश्चंस बनाना ही चाहते हैं, और ज्यादा बेटर होगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स को पिक करिए और वहां से क्वेश्चंस निकाल लीजिए। सीबीएसई के सैंपल पेपर्स पिक कर लीजिए, वहां से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। So that's it for the day. Now we'll be coming up with another session, जिसमें हम एक नए chapter की बात करेंगे. Till then, take care, bye bye, and have a great and beautiful day. Bye bye.